मध्य प्रदेश ने भी बहुत अच्छा काम वाटर कंजर्वेशन में किया है और पिछले समय शिवराज जी ने जिस प्रकार का काम किया उससे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिली और बाद में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने भी उस काम को महाराष्ट्र में किया और उसका फायदा ये हुआ कि विशेष रूप से हमारा जो रबी की फसल है उसको हम दुगने से ज़्यादा कर पाए। और आज यहाँ पर इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स के इरिगेशन मिनिस्टर्स को बुलाया है तो एक प्रकार से ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, तो कैसे स्टेट्स में भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो नदी को लेके क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए अभी तो कोई हमारा विवाद तो बिल्कुल नहीं है, हम सब साथ में मिलकर ही काम कर रहे हैं और जो हमारे हिस्से का पानी है वो पानी हम लोग ले रहे हैं और मध्य प्रदेश के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, हमारी एक जॉइंट कमेटी भी है जिसकी हम बैठ के लेते हैं। सर ताप्ती नदी को लेके बुरहानपुर और तमाम जिलों और महाराष्ट्र को लेके कुछ योजना चल रही है? जी एक हम लोग एक्चुअली एक मेगा रिचार्ज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को बहुत फायदा होगा और ये एक अपने आप में बहुत अनूठा प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एक एल्यूवियल सॉइल है तो जमीन के नीचे से पानी फ्लो होता है, उस सारे पानी को हम लोग कैच करके और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उसको जब लाएंगे तो विशेष रूप से जो हमारा सॉल्ट अफेक्टेड एरिया है ऐसा सारा एरिया इसके कारण बहुत उसको फायदा होगा। सर राहुल गांधी कह रहे मंदिर कब बनेगा, कल अमित शाह जी ने बता दी तारीख। देखिए राहुल गांधी जी का क्या होता है कि उनको अचानक पुरानी चीजें याद आ जाती है तो जो प्रश्न उन्होंने 10 साल पहले पूछना था वो आज पूछ रहे हैं, उनको शायद पता ही नहीं है कि मंदिर का काम इतने जोरों से चल रहा है तो जरूर जिस समय मंदिर बन जाएगा तो उनको भी दर्शन के लिए बुलाएंगे।